गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। हमने आज मंगवाया था फ्लिपकार्ट से एक हमारे कार में एक नॉर्मल की और एक सेंटर लॉकिंग की, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चाबी हमारी सेंटर लॉकिंग की इस तरह से दिखती है, ये कंपनी से ही साथ में आई है, और एक चाबी ऐसे नॉर्मल आई है। तो हमें इस चाबी को इस तरह की करनी है, इसलिए हमने एक कवर मंगवाया था। तो ये ब्लेड और कवर दोनों साथ में मिलते हैं, और अंदर जो अंदर का रिमोट है वो हमें अलग से बनवाना पड़ेगा, तो वो भी हम एक दिन बाहर जाएंगे और बनवा लेंगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलती है। और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन आइकन भी ऑल पे कर देना, ताकि हमारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से दिखती है ये चाबी, चाबी का कवर। इस वाली ब्लेड में कुछ ये ब्रास की बनी हुई है, और ये ओरिजिनल चाबी। चलिए तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ किसी दूसरी वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और लाइक और कमेंट करना तो मत भूलना। ठीक है, चलिए बाय।